बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे और महफूज होंगे। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 6 किया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उससे रिलेटेड हमने रीडिंग की थी, सवाल जवाब अल्फाज मानी एक्सरसाइज जो थी वो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे सबक नंबर 8, नीम का पेड़। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज़ लेक्चर। सफ़ा नंबर 45, नीम का पेड़। जी बच्चों, कभी आपने देखा है नीम का पेड़? बहुत कॉमन है, मोस्टली आप देखें अक्सर गाँव में तो ये हर तकरीबन हर घर में लगा होता है। इसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं और ये बड़ा कड़वा होता है, इसकी पत्तियाँ बड़ी कड़वी होती हैं। आपको इस चैप्टर में इस चैप्टर में नीम के पेड़ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट और मज़े की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा कि जो नीम का पेड़ है वो इंसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद है। देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जिसका जो है कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन नीम के पेड़ से मुतलिक जब आप ये पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हमारे लिए, इंसान के लिए कितने फ़ायदे हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है अपने इर्द गिर्द घरों के इर्द गिर्द, बाज़ूकात हमारे इर्द गिर्द चीज़ मौजूद होती है लेकिन हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता। आप अपने वालदैन से ज़रूर पूछें कि नीम का पेड़ कैसा होता है। अगर आपके घर के कहीं करीब नीम का पेड़ मौजूद है तो आपके अपने वालदैन की मदद से आप उसको ज़रूर देखने जाएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं और ये किस किस्म का दरख्त होता है। वैसे ये फैलाव में काफ़ी होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, दुबला पतला नहीं होता, इसका फैलाव काफ़ी होता है। तो चलें बच्चों, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नीम का दरख्त देखा होगा, इसका असली नाम निम है, या नून ये मीम बे निम, इसका असली नाम निम्ब है। ठीक है, निम्ब यानी कि ऊपर आप देखें नून ये मीम है निम्ब, यहाँ पे क्या है नून ये मीम बे निम्ब। निम्ब का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। जी तो प्यारे बच्चों, निम्ब का क्या मतलब है? बीमारियों को दूर करने वाला। इससे आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ भी हुआ होगा कि बीमारियों को दूर करने वाला इट्स मीन कि इस दरख्त से वाकई हमें बहुत फ़वाद हासिल होते हैं। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी ना किसी काम आता है। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बहुत फ़वाद हैं जो कि आप इस चैप्टर में आपको पता चलेंगे। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी ना किसी काम आता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है, यानी कि हर तरह की ज़मीन में आसानी से इसका पौधा लग सकता है। लोग नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे इसके साए में खेलते हैं और जानवर इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। लोग गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। देखें, ऊपर आपने पढ़ा, पहला फ़ायदा आप पढ़ चुके हैं। देखें, नीम का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। इसका मतलब यह है कि ये बीमारियों, ये बहुत सारी दवा अद्वियात में इस्तेमाल होता है और वैसे डायरेक्ट भी यूज़ होता है जिससे बीमारियों में फ़ायदा होता है। उसके बाद आप देखें कि बच्चे जो है वो इसके साए के नीचे खेलते हैं, बड़े बैठते हैं, जानवर आराम करते हैं। ये छोटे छोटे फ़वाद हैं जो आपको, कॉमन फ़वाद हैं जो बताए गए। आप देखें, अब अहम फ़वाद की तरफ हम आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो गर्म कपड़ों की हिफाजत, आपने देखा होगा अक्सर लोग संदूक में पेटियों में गर्म कपड़े जो है, जब सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं, गर्मियां आ जाती हैं, तो गर्म कपड़े पेटियों के अंदर या बड़े बड़े संदूक के अंदर रख देते हैं। तो आम तौर पर क्या होता है कि उन कपड़ों को कीड़ा लग जाता है, कोई इस तरह की चीज़ लग जाती है कि जिसकी वजह से, या कोई और चीज़ जो है कपड़े को काट जाती है जिससे कपड़ा ज़ाया हो जाता है, ज़ाया होने का खतरा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं कि कपड़ों की हिफाजत के लिए नीम की जो सूखी पत्तियां हैं ना वो इसके अंदर रखते हैं। उसकी उससे ये होता है कि नीम की सूखी पत्तियां रखने से कीड़ा या कोई भी चीज़ जो है वो संदूक के अंदर नहीं जाने पाएगी उसकी वजह से। नीम की पत्तियों से कपड़े में कीड़ा नहीं लगता, इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती।
अब ये जो दीमक होती है, ये दीमक किताबों को या कागज़ को या किसी भी ऐसी चीज़ को लग जाए तो ये मुकम्मल तौर पे उसको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। अगर ये पत्तियाँ भी हम किताबों या किसी जगह के में रख देते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसको दीमक नहीं लगेगी, और ये अनाज के ज़खीरे की भी हिफाज़त करती है। अब देखें अनाज के ज़खीरे की हिफाज़त, देखें प्यारे बच्चों के जैसे गंदम होती है, चावल होते हैं, जो किसान जो है जब फसल काटता है तो उसके बाद ख़ुद भी उसको ज़खीरा करता है, कुछ बेचता है, तो जो ज़खीरा करता है जिस चीज़ का, ज़ाहरी बात है अगर वो चीज़ ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहेगी थैलों में, बड़ी बड़ी बोरियों में, तो उसको कीड़ा लगेगा, उसको चींटियाँ खाएंगी, उसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात जो हैं वो उसको खाने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो क्या होता है कि जब ज़खीरा किया जाता है तो अनाज, उसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या होता है जो नीम की पत्तियाँ हैं ये अनाज को भी के ज़खीरे में भी मददगार साबित होती हैं। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए, सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो इसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। देखें बच्चों, अब एक एग्ज़ाम्पल है कि गांव आप ले लें, गांव में जिस तरह से लोग खुले आम लेटते हैं या कमरों में सोते हैं, तो ये होता है कि बड़े बड़े देचकों में या बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर इसकी सूखी पत्तियों को जमा किया जाए और उसको आग लगा दी जाए। जब वो आग लगा दी जाती है, बुझाने के बाद उसका जो धुआँ आहिस्ता हल्का 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 निकलता रहता है, जिसकी मदद से मच्छर जो हैं वो भी भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से ख़ारिश दूर हो जाती है। देखें बच्चों एक और फ़ायदा, मैं इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप देखें तो सही कि किस कदर जो है ऊपर से नीचे तक फ़वाद ही फ़वाद, हर लाइन में दो दो तीन तीन फ़वाद बताए जा रहे हैं। क्या है कि नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से ख़ारिश भी दूर हो जाती है। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं, इसके फल को निबोली या निमकोली कहते हैं। इसके ऊपर एक फल भी लगता है जिसको वो ग्रीन कलर का छोटा छोटा जैसे अंगूर होते हैं उस टाइप का होता है, निम्बोली या निमकोली कहते हैं। इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसकी जो गुठली है, किसको, इसका जो फल है ना उसकी बात हो रही है, नीम का जो फल है उसकी जो गुठली अंदर से जो उसका बीज निकलता है उससे तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल और नीम की छाल को घिस कर लगाने से फोड़े फिंसियाँ ठीक हो जाती हैं। देखें क्या कह रहे हैं कि नीम से बने हुए जो तेल होते हैं और जो साबुन होते हैं उसके इस्तेमाल से क्या होता है, या इन दोनों के इस्तेमाल से या नीम की जो छाल होती है उसको घिस कर लगाने से, यानी कि रगड़ कर लगाने से फोड़े फिंसियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। अब जो नीम की टहनी है वो भी बहुत काम की चीज़ है, ये मसवाक का काम करती है, यानी कि आप टहनी की बारी आ गई तो वो भी उसके ज़रिए लोग जो है अपने दांत साफ़ करते हैं, मसवाक करते हैं। ये कड़वी तो ज़रूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन है। मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, इतनी ज़्यादा नीम के फ़ायदे हैं कि गिनने भी मुश्किल हो गए हैं हमारे लिए। देखें आप ज़रा रिपीट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप बल्कि मुझे बताएं कि नीम का जो है असली नाम क्या है। जी नीम, नीम का असली नाम नीम है। इसका क्या मतलब है, बीमारियों को दूर करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला। देखें इस दरख्त का हर हर हिस्सा जो है ना वो काम आता है। नीम को हम हर जगह आसानी से लगा सकते हैं, इसके साए में लोग बैठते हैं, इसके साए में बच्चे खेलते हैं, जानवर आराम करते हैं, लोग जो हैं वो कपड़ों की हिफाजत के लिए संदूक में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हैं जिसकी मदद से कीड़ा नहीं लगता, किताबों में इसकी मदद वजह से दीमक नहीं लगती, अनाज भी इसकी वजह से हम किसान जो है महफूज कर सकते हैं। अगर इन्हीं सूखी पत्तियों को आप जला लें तो उसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, ठीक है। और नीम की जो हरी पत्तियां हैं अगर आप इनको पानी में उबाल कर उस पानी से नहाते हैं तो ख़ारिश दूर हो जाती है, ठीक है। इसके दरख्त पर एक फूल फल लगता है जिसको निबोली या निमकोली कहते हैं, अगर वो फल आप खाते हैं तो उससे पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। उस फल के अंदर जो गुठली होती है उस गुठली से जो है तेल निकलता है, निकाला जाता है, उस तेल को
अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या उस तेल से बने हुए साबुन को इस्तेमाल करते हैं, या नीम की जो छाल होती है उसको रगड़ कर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, जो जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकली होती हैं इंसान के, वो ठीक हो जाती हैं। और जो नीम की टहनी है, टहनी की मदद से लोग मसवाक भी करते हैं। और क्या है कि जी मतलब इस कदर फ़वाद हैं, ये कड़वी जो इसकी जो टहनी होती है बहुत कड़वी होती है, लेकिन ये मैं दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और दांतों को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने रिपीट इसीलिए किए हैं सारे फ़वाद कि आपको जहन नशीन हो जाएँ कि हमें नीम के पेड़ के कितने फ़ायदे हैं। जी सफ़ा नंबर 46, नीम का असली नाम क्या है? नीम का असली नाम निम है। नीम की पत्तियां किस काम आती हैं? नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां कपड़ों और अनाज की हिफाजत के अलावा मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नीम के फल से क्या क्या बनाया जाता है? नीम की गुठली से तेल निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाता है। नीम की टहनी किस काम आती है? नीम की टहनी मिसवाक करने के काम आती है। जी बच्चों, आज का हमारा जो है लेसन नंबर 8, सबक नंबर 8 का लेक्चर 1 था, यहाँ पे क्लोज़ होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी लेसन से रिलेटेड मैं आपको जुमले, अल्फाज मायनी और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो करवाऊँगी, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है कि इस लेसन को अच्छे से रीड करना है सब बच्चों ने, पेज नंबर 45, और ये सवाल जवाब लिख के अच्छे से इनको याद कर लेना, और अभी तक जितना पीछे काम करवाया गया उसको भी डेली बेसिस पर साथ साथ आप रिपीट करें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर से पहले पहले अपने तमाम जो है लेक्चर्स उनको रिपीट करके सुनें, और अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, महफूज रहें।